वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं आज एक नए चैप्टर के साथ में। और वो जो चैप्टर आपका होगा वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नई शुरुआत, एक नया जोश आपके अंदर होना चाहिए। मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ, तब तक सारे बच्चे आ जाएं क्लास में, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी। ये आपके पास मिशन T20 का क्लास नंबर, ये 10 होगा आपके पास। ठीक है, मिशन T20 का क्लास नंबर आपके पास ये 10 होने वाला है। और आज एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी, और वो जो चैप्टर होगा वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक पूरा का पूरा कवर करूंगा। और बिल्कुल मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, और आपको भी ये विश्वास हो चुका होगा कि बिल्कुल सब के अंदर ये स्कैन कर दूंगा मैं। ठीक है ना, स्कैन कर दूंगा पूरी पूरी प्रॉपर्टी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में अगर नहीं पता हो कि अनअकैडमी से प्रैक्टिस कैसे करें, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप जाइएगा अपने प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर पर आप यहाँ पे मेंशन करिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, और ऐसा आइकन आपको दिखेगा, इस ऐप को आप ओपन करिएगा। ओपन मतलब इंस्टॉल करिएगा, उसके अंदर फ़ोन नंबर से और आपकी ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। और उसके बाद में आपको एनडीए एयरफोर्स एक्स वाई नेवी, ये जो आपको गोल है सर्च गोल के अंदर, ये आपको सेलेक्ट करना है। आरएस सर का पिक्चर आपको दिख जाएगा, अगर नहीं दिखे तो यहाँ पर ये जो बार आपके पास दिखा हुआ है नहीं? इसके अंदर आप ये एनडीए एयरफोर्स कैटेगरी डालकर उसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है, जिन बच्चों ने इंस्टॉल कर रखा है फॉलो नहीं किया है, तो आप सर्च करिएगा मुकेश कुमार कुमावत के नाम से। ठीक है, और मेरी प्रोफाइल पिक्चर आपके पास, मेरी क्लासेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, मेरी प्रोफाइल पिक्चर ये लगी हुई है। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरी आने वाली अपकमिंग जो क्लासेज है ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चाहे तो आप इसके अंदर कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर जाइएगा मैनेज गोल में, और मैनेज गोल के अंदर जाने के बाद में ये कैटेगरी आप चेंज भी कर सकते हैं। और ये मेरी पूरी स्पेशल क्लासेज है, और ड्रीम एयरफोर्स के नाम से मेरी स्पेशल क्लासेस मॉक टेस्ट पहले पूरे सिलेबस के चल रहे थे, आप ट्राई कर सकते हैं उनको भी। ठीक है, और मेरी नई जो क्लासें होगी वो जल्द ही आपके सामने आएगी। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो, तो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का चार्जेज आपके पास ये है। लेकिन अगर आप ये वाला कोड आप अप्लाई करते हैं, तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप मैथ फिजिक्स इंग्लिश रागा सबकी क्लासें एक्सप्लोर कर पाओगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, यहाँ पर पूरी सब्जेक्ट हर आपको इंग्लिश का, फिजिक्स का, मैथ्स का, जो भी आपको देने लायक पीडीएफ होता है वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है जी, चलो जी, शाम को 8 बजे के आसपास ही पीडीएफ आपको पूरे मिल जाते हैं। तो नोट्स अगर कोई बच्चा हमारे साथ में नहीं बना पाता है, मिस कर देता है, तो वो आपके आराम से नोट्स बना सकता है। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश के लिए। और ये आज की क्लासेज आपके जो आने वाली क्लासेज हैं, मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास, उसके बाद में फिजिक्स की क्लास, उसके बाद में मैथ्स की फिर प्रैक्टिस क्लास, उसके बाद में इंग्लिश की कॉन्सेप्ट की क्लास और इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, ये अपकमिंग क्लासेज आपके सामने हैं। तो ये बेटा अपकमिंग क्लासेज है ना, पूरी की पूरी अपकमिंग क्लासेज है। स्टार्ट कर दिया जाए जी, श्री गणेश कर दिया जाए। चलो जी, जो भी बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, अगर उनको लगता हो ठीक है, कोई बच्चा नया भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पुराने बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर बेटा आपको लगता हो थोड़ा बहुत भी, अगर सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 क्लास को आप शेयर करिएगा। क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन ये होता है कि जब जितने ज़्यादा बच्चे लाइव आते हैं, तो कॉन्सेप्ट फूट फूट के निकलते हैं। ठीक है, अगर आपके दिल से आवाज़ आए कि यार सर के लिए इतना तो बनता ही है, क्लास का शेयर तो ओपन कर ही सकते हैं, तो आप क्लास को शेयर करिएगा। और उसके बाद में 1 घंटे तक पेटी पेक होकर आप क्लास के अंदर बैठ जाएं, और कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग गर्दन फेफड़े सब के अंदर में उतार दूंगा बेटा। ठीक है, स्टार्ट कर दूं अब मैं। कौन सी बुक से प्रैक्टिस करा रहे हैं बेटा? कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, पर्टिकुलर बुक नहीं है। अगर आप चाहो तो आप आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हो, आर एस अग्रवाल पाथफाइंडर या लूसेंट, है ना, ये 3 क्वालिटी की बुक्स आती है, मंजुल त्यागी वागी, जो भी आपके पास है ना, जो आप और प्रेफरेंस देना चाहो, बस बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस होने चाहिए। चलो जी, स्टार्ट कर देते हैं, श्री गणेश करते हैं एक नए टॉपिक की, और वो टॉपिक आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इमेजिनरी नंबर आपके पास क्या होता है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी का मतलब आपके पास है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आपके पास क्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने से माइनस आता है, उनको अपन बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। जैसे मान लो कि आपने किया सर एक्स स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास माइनस का 3 आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर माइनस का 4 आ गया,
ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने से आपके पास माइनस की संख्या आती है उसको अपन क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे आपने लिख दिया कि सर एक्स स्क्वायर प्लस नौ बराबर जीरो, तो पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है रियल नंबर्स के केस में तो नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है आपके पास इमेजिनरी नंबर के केस में, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का नौ आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी कि इमेजिनरी नंबर जो होता है वो होता है आपके पास क्या, किसी संख्या का स्क्वायर करने से माइनस आता है, इनको अपन इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो ये जो इमेजिनरी नंबर होता है इसको डिनोट करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर के बराबर जब माइनस वन है तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा आपके पास रूट के अंदर माइनस वन, और जो रूट के अंदर माइनस वन होता है इसी को ही अपन क्या लिखते हैं, आयोटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस आई को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आयोटा, आयोटा बोला जाता है, ये है आपके पास आयोटा, ठीक है ना। चलो जी, तो ध्यान हो चुका होगा आपको, काफ़ी पहले पता भी है कि आयोटा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन होता है। आयोटा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन होता है। चलो जी, यहाँ पर अपन ने बात कर ली है सर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर का बात किया है, अभी तो इमेजिनरी नंबर का बात किया है। तो भाई साहब कुछ नंबर ऐसे होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपके पास रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। रियल और इमेजिनरी को दोनों की शादी करवा दो, वो क्या बन जाता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास होता है, मतलब सम्मिश्र संख्या जो होती है वो क्या होता है, वो आपके पास होता है रियल प्लस इमेजिनरी। रियल प्लस इमेजिनरी जब दोनों को जोड़ देते हैं तो आपके पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको अपन जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका रियल पार्ट को तो मैं एक्स लिख दूं, और इमेजिनरी जो पार्ट आपके पास होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसा नंबर जिसके अंदर रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सर कॉम्प्लेक्स नंबर। बात आ चुकी होगी समझ में है। अच्छा प्यार में धड़ाधड़ कंजूसी बेटा, ये जो x आपके पास होता है ना, इसको बोलते हैं इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। क्या बोला जाता है, वास्तविक भाग। फिर से ध्यान से सुना, ये जो x होता है, मतलब जिसके साथ में आयोटा नहीं होता है, उसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z का मतलब इसको आप क्या समझोगे, इस z का r e का मतलब है रियल पार्ट। इसका थोड़ा सा मैं मीनिंग लिख देता हूं इधर, क्योंकि आप कंफ्यूज न हो जाओ इसको समझ के कि r e क्या है सर, है वास्तविक भाग है सर। रियल पार्ट ऑफ z जो आपके पास है वो क्या है, आपके पास x। सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग क्या है, आपके पास x है। अगर मैं कहूं आपको कि सर इमेजिनरी पार्ट बताओ z का, वो क्या है, तो इस इमेजिनरी पार्ट क्या है, कई बच्चे तो इसको लिखेंगे आयोटा वाई। मैंने केवल और केवल जो आपको पूछा है, क्या पूछा है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है जो आयोटा से मल्टीप्लाई होता है। अब बात आई समझ में, क्लियर है क्या भाई, जो आयोटा से मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। कहीं आप ऐसा मत लिख देना सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पूछ लिया तो आप लिख दो आयोटा वाई, आयोटा वाई नहीं, आयोटा से जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, और शॉर्ट के अंदर उसको आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दे लेना बेटा, आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी, और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो काल्पनिक भाग है ये, सम्मिश्र संख्या का जो काल्पनिक भाग है वो आयोटा से गुणा होने वाली जो संख्या है वो है। एक नमूना दिखा दूं आपको, देखना चाहोगे नमूना, तो ये है सर नमूना। अगर मैं कहूं आपके पास कि जेड बराबर आपके पास दो प्लस का तीन आयोटा है, और अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि आप बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड बताओ, इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग बताओ, तो हर कोई बच्चा बोल देगा सर रियल पार्ट ऑफ जेड तो आपके पास है दो। अगर बेटा अगर आपको लगे कि यार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना चाहिए अपने को ना, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे तो कमेंट बॉक्स धड़ाधड़ ठीक है चिपका देना अपना अपना आंसर। चलो जी, अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर आपके पास कितना है तीन, ध्यान दे लेना बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को अगर आपने लिख दिया तीन आयोटा तो सर वो गलत हो जाएगा। ध्यान दे लेना, आयोटा का गुणांक होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, आयोटा नहीं आता है साथ में। तो ये जो चीज अगर आपने लिखी है वो क्या है, गलत है। अगर जेड के बराबर सर मैं ऐसा बोल दूं आपके पास वन माइनस आयोटा बोल दूं, तो आप क्या कहोगे, सर इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, फटाफट से कमेंट कर दो बेटा, ये आपके पास जेड के बराबर लिखा हुआ है वन माइनस आयोटा, और बताओ मुझे क्या होगा आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट फटाफट से, और धड़ाधड़ प्यार में कंजू से फिर मैं सुबह सुबह ही आपको अल्ताफ राजा वाली शायरी सुनाऊंगा। मतलब यार 500 बच्चे लाइव है और लाइक 400 भी नहीं हुए। अच्छा चलो जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हुआ बेटा? हाँ जी, -1 -1। ठीक है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है -1 उनका सही जवाब है। चलो जी, ये बात हुई आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। आगे बढ़ते हैं। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड के बराबर जो अपन लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड के बराबर जो अपन ने लिखा है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इस एक्स प्लस आयोटा वाई में अगर आपके पास अलग अलग कंडीशंस होती है, अगर मान लो कि आपके पास इसमें एक्स बराबर जीरो हो गया, पहली कंडीशन ला रहा हूँ आपके सामने एक्स बराबर जीरो, तो आप क्या कहोगे? सर एक्स बराबर जब जीरो हो गया तो सर जेड के बराबर तो आपके पास आयोटा वाई बचेगा। अब आयोटा वाई है इसके अंदर सर, ये पूरा का पूरा ही इमेजिनरी पार्ट है, इसमें रियल पार्ट तो आपने भगा दिया। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जिसमें एक्स बराबर जीरो होता है, मतलब रियल पार्ट अगर जीरो होता है, उन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी। क्या बोला जाता है? प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है बेटा, ठीक है ना, प्योरली इमेजिनरी। अब हिंदी वाले कहेंगे हमारे को तो हिंदी में भी लिखो। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है विशुद्ध काल्पनिक। क्या है? विशुद्ध काल्पनिक। विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। कब होती है विशुद्ध काल्पनिक? विशुद्ध काल्पनिक तब होती है जब आपके पास वास्तविक भाग जीरो हो। उल्टा होता है, वास्तविक भाग जब जीरो होता है तब विशुद्ध काल्पनिक होती है, ठीक है ना। चलो जी, दूसरी बात, अगर सर वाई बराबर जीरो आ गया, तो जब y बराबर जीरो आ गया, y बराबर जीरो लिखा यहाँ पे, तो इसका मतलब सर z बराबर क्या बचा? z बराबर बचा सर x बचा। ओहो सर, इसमें तो आयोटा नहीं आया, अब इमेजिनरी पार्ट नहीं आया, और इमेजिनरी पार्ट अगर नहीं आया तो ये जो नंबर है उसको क्या बोल देंगे? प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या है? ये है आपका विशुद्ध वास्तविक। क्या है? बिल्कुल शुद्ध वास्तविक, विशुद्ध वास्तविक इसको बोल देते हैं। तो ये आपका विशुद्ध वास्तविक और विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तीसरी जो अगर मैं बात करूंगा आपके सामने, वो तीसरी बात ऐसी है, अगर आपके पास x एंड y नॉट इक्वल टू अगर जीरो है, कि x भी जीरो नहीं है और y भी जीरो नहीं है, तब जो z आपके पास होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दोनों के दोनों ही जीरो हो गए तो वो तो बात बनने वाली नहीं है। तो ये चीजें आपके समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 100% मान के चलो। और मैं जो एक एक चीज आपको बोर्ड पे नोट कर रहा हूं ना, वो एक एक चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो जी, जय श्री राम बोल के आगे बढ़ते जाओ बेटा है। अच्छा एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? अब यार मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि आज आप देख लेना क्लास, मतलब तीन क्लासों के अंदर शायद कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होगा। मतलब रायता नहीं करते हैं, बिल्कुल डिटेल से एनडीए लेवल तक की सारी बातें टच कर देते हैं। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हुआ। अब मैं आपको डील करवाता हूँ कि सर जब आपके पास कोई भी नंबर होते हैं, जैसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट के अंदर कोई भी दो संख्याएं होती है, तो इसको लिखना, इसको यदि मैं लिखूं अंडर रूट ए बी अगर लिखूं, तो ये पॉसिबल तभी है जब आपके पास दोनों में से मैक्सिमम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर संख्या नेगेटिव होनी चाहिए। अगर आपके पास दोनों में से मैक्सिमम एक ही संख्या नेगेटिव हो तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि सर माइनस का अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है, तो क्या सर अंडर रूट के अंदर की संख्या मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है सर। अगर मान लो कि ए तो पॉजिटिव है और सर बी नेगेटिव है, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे क्या? कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। दोनों पॉजिटिव हो तो भी कर लेंगे, और दोनों में से कोई एक नेगेटिव हुआ तब भी कर लेंगे। लेकिन कब नहीं करेंगे? जब दोनों की दोनों ही नेगेटिव हो। अगर माइनस अंडर रूट ए इंटू माइनस अंडर रूट बी के बराबर अगर आपने लिखा है ए बी, तो सर ये सरासर गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन अपन करते हैं ना, ये पॉसिबल तभी होता है अंडर रूट के अंदर की संख्या जब मल्टीप्लाई होती है, वो पॉसिबल तभी है जब आपके पास उनमें से मैक्सिमम एक ही नेगेटिव हो। मैक्सिमम एक ही नेगेटिव, दोनों की दोनों ही अंडर रूट में नेगेटिव हो गई, तब तो बात गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं, अंडर रूट माइनस ए जो है ना, अंडर रूट माइनस ए, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट माइनस वन, तो लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर लिखा जा सकता है,
क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट एस आएगा। और सर ये अंडररूट माइनस वन है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आयोटा। इसका मतलब बेटा जब भी अंडररूट के अंदर माइनस आ जाए उसको हटा देना आप और क्या लगा देना, आयोटा। तो सर इसको भी क्या लिखा जाएगा, तो सेम इसी तरीके से अंडररूट ए इंटू आयोटा, दूसरे वाला अंडररूट बी इंटू आयोटा। अब आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो बताऊंगा, आयोटा आयोटा माइनस वन का स्क्वायर मतलब माइनस वन ए बी आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान दे लेना बेटा ये वाली चीजें, ध्यान दे लेना, क्लियर हुई क्या सारी चीजें हैं। थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया, थर्ड पॉइंट बेटा ये है कि अगर दोनों में से बात जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान दो आप। मैंने ऐसा बोला कि जब अंडररूट के अंदर मैक्सिमम एक ही नेगेटिव होता है, मैक्सिमम एक नेगेटिव होता है, तभी अपन ऐसा कर सकते हैं। अगर दोनों की दोनों ही नेगेटिव आ गई तब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अंडररूट के अंदर की संख्याओं को। ये मैंने बात बोली है क्योंकि इससे रिलेटेड एनडीए में भी क्वेश्चन आ चुका है। कैसा क्वेश्चन आया दिखा देता हूं एक बार। जैसे मान लो कि सर आपके पास अंडररूट तीन इंटू अंडररूट दो है तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सर आप अंडररूट छः लिख दोगे। लेकिन सर अगर माइनस का अंडररूट तीन इंटू अंडररूट दो है तो क्या लिखोगे सर इसको, सर इसको अंडररूट के अंदर माइनस छः लिख दिया जाएगा। अगर सर ऐसा हो तो माइनस अंडररूट दो इंटू अंडररूट तीन हो तो क्या लिखेंगे सर, इसको भी लिख देंगे माइनस छः। लेकिन सर अंडररूट माइनस दो इंटू अंडररूट माइनस तीन हो तो क्या इसको मैं क्या लिख दूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से, ये होगा आपके पास अंडररूट दो इंटू आयोटा और सर ये जो होगा अंडररूट तीन इंटू आयोटा होगा। अंडररूट के अंदर से माइनस को हटा के आप बाहर आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनके केस में भी कर सकते हैं लेकिन इनके केस में तो करना जरूरी है, इनमें नहीं करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अंडररूट दो इंटू अंडररूट तीन कितना, अंडररूट छः तो हो जाएगा लेकिन ये आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो क्या होगा, माइनस का वन होगा। तो माइनस अंडररूट छः आपके पास आएगा। बेटा आया क्या, आया बेटा बिल्कुल समझ में आया है। अच्छा चलो जी, तो ये वाली चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, ये चीज आप नोट कर लेना बेटा अपने नोट्स के अंदर, इनइक्वालिटीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट फॉलोज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास होती है वो इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं कर सकती है, कर सकती है वो एक स्पेशल केस में, वो कैसा वो समझो। अगर आपके पास मैं लिखूं कि a प्लस आयोटा b इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d आपके पास है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वालिटी लगा दी आपने सर, लाइन तो ये लिखी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करता, अब आप फॉलो करवा रहे हो। ये फॉलो तभी कर सकता है, ओनली पॉसिबल, पॉसिबल ओनली, ये जो कंडीशन है ना ये केवल और केवल एक ही कंडीशन के अंदर फॉलो कर सकती है, कब, जब दोनों का जो इमेजिनरी पार्ट है, दोनों का जो काल्पनिक भाग है वो जीरो हो। इसका मतलब ये फॉलो तब कर सकता है b बराबर d बराबर जीरो, ये चीज गांठ बांध लेना बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। यहां तक का क्लियर हुआ क्या, फटाफट से बोलो, यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी। फिर से सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इनइक्वालिटी जो होती है असमिकाएं, वो फॉलो तभी कर सकती है जब आयोटा इसमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। आयोटा नहीं दिखना चाहिए, आयोटा वाला गायब कर दो, उसके बाद में ही इनइक्वालिटी लगती है, अदरवाइज इनइक्वालिटी इसमें नहीं लगती है। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। चलो जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं आयोटा की जो आपके पास इंटीग्रल पावर है उसके ऊपर चलते हैं, और इसका फिक्स परमानेंट क्वेश्चन है बेटा आएगा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल मतलब पूर्णांकी है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा मतलब आयोटा की जो पावर होती है उसकी वैल्यू अपन किस किस तरीके से काउंट करते हैं वो समझो। अगर बेटा आपके पास ऐसा लिखा हुआ है आयोटा की पावर वन, तो इसका मतलब क्या होता है, अंडररूट माइनस वन होता है सर, ये तो जानते हैं। लेकिन सर आयोटा का मैं स्क्वायर कर दूं तो सर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस वन आएगा। अगर सर इसकी पावर तीन लगा दूं मैं, तो तीन लगा दूं तो सर इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। बात तो एक ही है, आयोटा क्यूब को आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, तो सर इसका मतलब इसको माइनस आयोटा लिखा जाएगा। सही बात सर। आयोटा की पावर फोर का मतलब क्या है सर, आयोटा की पावर फोर का मतलब आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस वन का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस का वन। ये तो है आपके पास लगातार चार पावर का, आयोटा की पावर आपके पास वन टू थ्री फोर की वैल्यू अपन जो निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं।
आगे की बातें कैसे करते हैं। दूसरी बात यह है, जैसे सर आपके पास आया आयोटा, मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, दूसरी प्रॉपर्टी आयोटा की पावर 4 के मल्टीप्लाई में जो भी आती है, 4 के मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर जो भी आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब सर आयोटा की पावर 4n जो होगा वो कितना होगा आपके पास 1। कैसे सर वो भी बता दो। तो इसका नमूना देख लो आप सर, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर आपके पास आयोटा की पावर 100, इन सब का जो मान होता है वो होता है 1। जो भी पावर है उस पावर में अगर 4 का आप भाग लगाते हो और 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, चलो जी, इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी मैं आपकी मेंशन कर देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 3। और वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि सर ये जो 4 नमूने है ना, ये ऊपर वाले आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 है ना, आयोटा की पावर 4, इनको जोड़ो सर, आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, काम खत्म इनका। इसका मतलब आयोटा की 4 कंटिन्यूस पावर जो होती है उसका योग होता है आपके पास 0। आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2 और आयोटा की पावर n प्लस 3 जो होता है इसका योग, सॉरी, आपके पास क्या होता है, 0। आयोटा की 4 लगातार पूर्णांकीय जो पावर होती है, इंटीजर पावर जो होती है आयोटा की 4 लगातार, उनका योग क्या होता है, 0 होता है। वो चाहे आपके पास पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उन सब का योग क्या हो जाएगा, 0। एक नमूना देख लो, एक नमूना जैसे सर मैंने लिखा आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 21 प्लस आयोटा की पावर 22 प्लस आयोटा की पावर 23, तो देखो आप लगातार आपके पास कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, है ना, वो स्टार्ट कहीं से भी हो सकती है। आप देख लो 20 21 22 23 हो सकता है, 23 24 25 26 हो सकता है, माइनस 1 0 1 2 भी हो सकता है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, इंटीग्रल पावर होनी चाहिए और उन सब का योग आपके पास क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लो कि आयोटा की पावर में लिखूं माइनस का 5, आयोटा की पावर माइनस 6, आयोटा की पावर माइनस 7, आयोटा की पावर माइनस 8 और इन सब का योग जो आपके पास होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। चाहे तो आयोटा की पावर प्लस में हो चाहे आयोटा की पावर माइनस में हो, लगातार 4 पावर होनी चाहिए, काम खत्म हो जाएगा। और ये पक्का क्वेश्चन मान लो बेटा, एनडीए का एक सवाल आपका इस वाला सेक्शन जो है ना उससे कन्फर्म सही है, एनडीए में पक्का आपके पास इसी से प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। अभी मैं आपको और दर्शन करवाऊंगा, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। चलो जी, और पावर की वैल्यू सर कैसे निकालते हैं, कुछ नमूने तो बताओ। चलो जी देख लो, नमूनों की कमी है क्या अपने पास, नमूनों की कोई कमी नहीं है, नमूने नमूने जहां देखो नमूने नमूने, तो नमूनों की कोई कमी नहीं है। चलो जी नमूना देख लेते हैं, नमूना, चलो जी, जैसे मान लो कि सर आपको निकालना हो आयोटा की पावर 25 की वैल्यू निकालनी हो, आयोटा की पावर 25, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास 4 से बड़ी पावर आती है आयोटा की, तो उन सब के अंदर आप 4 से डिवाइड करोगे और जितना रिमाइंडर बच जाए बस वो कैलकुलेट करोगे। फिर से सुनो, जब भी 4 से बड़ी पावर कोई आए आपके पास आयोटा की, तो उसको आप 4 से डिवाइड करो, अब भाग देना तो आता ही होगा, अब जो रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल बच जाता है, बस वो कैलकुलेट कर लो। इस 25 में जब 4 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, 24 में तो जाएगा पूरा पूरा, एक बचेगा, एक बचेगा, तो आयोटा की पावर 1, इसका आंसर आपके पास हो गया। सर आयोटा की पावर 30 का मान बताओ, आयोटा की पावर 30, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, सर 28 तक तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 पावर बच गई सर आयोटा की, शेषफल 2 बच गया, आयोटा की पावर 2 बराबर कितना आ गया, -1। सर आगे बढ़ो, आयोटा की पावर सर 300 आ गई, और 300 आ गई तो आपके पास इसके अंदर जब आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास कंप्लीटली डिवाइड होगा, कंप्लीटली जब डिवाइड हो जाता है तब आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, और देखे जाओ सर, अगर आपके पास ऐसा आ गया 1 अपॉन आयोटा 243 आ गया, ऐसे नीचे आ गया, लो भाई लॉजिक लगा दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा एनालिसिस करो कि जब आप इसको 4 से डिवाइड करते हो, इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो बताओ क्या बचा, सर 4 से डिवाइड किया मैंने इसको तो 3 शेषफल बच गया, और 3 शेषफल बच गया तो सर आयोटा क्यूब हो गया,
सही है क्या, वन अपॉन आयोटा क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन में सॉर्ट करने का तरीका यह है कि आप इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो ताकि पावर यहां पे चार बन जाए, और पावर अगर चार बन गई तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, वन। तो सही तरीका यह है, इसको आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आयोटा की पावर तीन और एक चार, तो ऊपर आपके पास क्या बचा, आयोटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आएगा आयोटा। तो ध्यान दे लेना बेटा, जब भी आपके पास कहीं ऊपर या नीचे या माइनस में कोई पावर आ जाए तो उसकी वैल्यू अपन इस तरीके से काउंट कर लेते हैं और देखते हैं। चलो जैसे मान लो कि सर आयोटा की पावर आपके पास माइनस पचास आ गई है ना, माइनस पचास आ गई, तो सर माइनस पचास वाले को पहले प्लस में चेंज कर दो आप। तो इसको क्या लिखोगे आप, वन अपॉन आयोटा की पावर पचास लिखा सर मैंने, है ना। अब यहाँ पे अगर आप चार का डिवाइड करते हैं, चार का डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल बचता है, दो शेषफल बचता है, और दो शेषफल बचेगा तो आपके पास वन अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस एक। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस एक आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में आपको उलझाने की कोशिश करी जाएगी, आपके साथ में ऐसा किया जाएगा, आयोटा की पावर फोर एन प्लस थ्री की वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन आया। तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 जो है ना, इसको इस तरीके से लिख दूं क्या मैं, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3, बात तो एक ही है, सही है क्या। आयोटा की पावर 4n प्लस 3 को मैंने 4n इंटू आयोटा की पावर 3 लिख दिया। मैंने अभी अभी क्या बोला था कि आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में जो आ जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, सर आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। चलो जी अब एक और एक नमूना देख लो, आयोटा की पावर सर आपके पास ऐसा आ गया, आयोटा की पावर 4n प्लस 1, आयोटा की पावर 4n प्लस का 2 और आयोटा की पावर 4n प्लस 3। भावनाएं समझ जाना बेटा, मेरी राइटिंग खराब है। तो लो जी बताओ 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 फटाफट से देखे कौन से बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है बेटा, ठीक है, बोलो 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 बेटा। माइनस 67 का भी बता देते हैं यार, क्या दिक्कत है, माइनस 67 वाला है बता देते हैं, बोलो बोलो आंसर बोलो फटाफट से, फेंको रे आंसर, अरे यार फेंको 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 बेटा, क्या होगा इसका आंसर फटाफट से, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फटाफट से, जो जीता वही सिकंदर। अच्छा सारे जीत गए, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सर 4n है ना, इसको 4n को तो 4n भेज दो सर, इस 4n का तो कोई मतलब नहीं है, 4n का तो मतलब नहीं है, 4n का तो मतलब नहीं है। तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, लगातार चार पावर आ गई सर, और लगातार चार पावर आ गई तो योग जीरो, काम खलास। एक बच्चे ने लिखा है सर आयोटा की पावर माइनस 67 बताओ, लो भाई तो इसको क्या करोगे आप, पहले तो प्लस में कर दो, वन अपॉन आयोटा की पावर 67। अगर आप इसको चार से डिवाइड करते हैं तो चार से डिवाइड करने के बाद में कितना रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर एक आ रहा होगा है ना, एक सॉरी तीन रिमाइंडर आ रहा है। आप इसको ज्यादा बेटर तरीका ये रहेगा, ऐसा आप देखो आयोटा की पावर एक से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो पावर 68 हो गई, और आयोटा की पावर 68 फोर से कंप्लीटली डिवाइड है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो मान तो वन, और ऊपर क्या बच गया आपका, आयोटा। तो आंसर क्या आएगा, आयोटा। सही हुआ बेटा, इच्छाएं खत्म। हाँ चलो जी, ये आयोटा की पावर में, लेकिन बेटा ऐसा क्वेश्चन तो है, इतना लल्लू क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो कैसा क्वेश्चन आता है इसका, एयरफोर्स नेवी की अगर मैं बात करूं तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार वो देखो क्या है। एक जो आपके पास क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये है समेशन वाला, समेशन वाला, यहाँ पर आयोटा की पावर एन आपको दे देगा, और यहाँ पर आपके पास एन बराबर वन से लेकर यहाँ तक दे दिया आपको 200। ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे कितनी बार पूछा गया है, बहुत 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 बार ये वाला क्वेश्चन आएगा आपका, आया हुआ है ना, आयोटा की पावर एन से लेकर एक से लेकर 200 कितना भी दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है अपने को, एन बराबर वन से शुरुआत करनी होती है, ठीक है। समेशन का मतलब है प्लस, मतलब दो प्रकार के साइन होते हैं, ध्यान रखना। ये जो साइन आपके पास लिखा हुआ है ना, ये तो है आपके पास किसका, सम का, मतलब योग का साइन है, ये वाला जो साइन है ना योग का है। और एक साइन ऐसा होता है, ऐसा ये जो साइन होता है ना, या लिख लेना बेटा, ये साइन जो होता है गुणा का साइन होता है, प्रोडक्ट का होता है। ऐसे केस में प्रोडक्ट करते हैं, ऐसे केस में एक एक वैल्यू रखकर अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसका मतलब समेशन का मतलब है आपको प्लस करना है। एन की वैल्यू जब आप वन रखोगे, आयोटा की पावर वन प्लस आयोटा की पावर टू प्लस आयोटा की पावर तीन प्लस आयोटा की पावर चार डैश 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 आयोटा की पावर 200 तक, ठीक है।
मेरे काफी ज्यादा धुरंधर बच्चों ने आंसर दे दिया होगा जीरो, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया, आप इसमें टोटल टर्म्स देखो कितनी है। आप यहां से सर एक से शुरू है और 200 तक जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कितने पद हैं, 200 पद हैं, 200 टर्म्स है इसके अंदर टोटल। तो आप क्या करोगे, ये जो जितनी टर्म्स है ना उसको चार से डिवाइड कर दो, जितनी भी टर्म्स है उसको चार से डिवाइड कर दो। सर 200 को अगर मैंने चार से डिवाइड कर दिया, चार से डिवाइड कर दिया तो सर कितना आया, 50। अगर ये जो नंबर आपके पास है मतलब परफेक्टली डिवाइड अगर हो जाता है, परफेक्टली डिवाइड अगर हो जाता है तो ऐसे केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। ऐसे केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अब इस चार से परफेक्टली डिवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि सर आयोटा की पावर 200 है, आयोटा की पावर 200 में और एक से लेकर 200 तक की संख्याओं में फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है ना। अब ये किस चीज का फर्क है वो देखना। सर इसमें तो अपन ने चार से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते तो ये तो एक ही टर्म है, चार से पूरा पूरा विभाजित डिवाइड अगर हो जाता है तो वैल्यू जो आपके पास आती है वो बना जाती है। लेकिन यहां पर 200 चार से डिवाइड हुआ है, इसका मतलब चार चार संख्याओं के जोड़े बने इसमें 50 जोड़े बने, मतलब 1 2 3 4, एक से लेकर चार तक का जोड़ा, फिर 5 6 7 8 दूसरा जोड़ा, 9 10 11 12 ऐसे जोड़े बने, कितने जोड़े, 50। और एक जोड़े की वैल्यू क्या होती है, जीरो। मैंने आपको बोला था कि सर आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, चार लगातार पावर का योग क्या होता है, जीरो होता है। तो आपने कहा सर एक से लेकर 200 तक है ना, एक से लेकर 200 टोटल 200 संख्या है और 200 के अंदर चार चार के कितने जोड़े बनेंगे, तो चार से डिवाइड किया आ गया 50, मतलब 50 जोड़े बनेंगे और 50 जोड़े बनेंगे तो हर जोड़े की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो। तो इसका मतलब यहां तो कंप्लीटली जोड़े बन गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन बेटा यही जो क्वेश्चन है, अगर ऐसा आता, अगर यही क्वेश्चन आपके पास आयोटा की पावर एन लगकर अगर एन बराबर एक से लेकर 183 तक आ जाता, अब क्या चक्कर पड़ गया, एक से लेकर 183 आ जाता तो थोड़ा थोड़ा चक्कर पड़ेगा क्वेश्चन में। और वो चक्कर क्या है, आप जब इसमें वैल्यू रखोगे तो आप कहोगे सर आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, सर लास्ट में आयोटा की पावर 183 है। अब मुझे बताओ कितने पद है इसमें, आप कहोगे सर एक से लेकर 183 है, इसका मतलब एक से 183 तो टोटल पद कितने हैं, 183 पद है और 183 पद में चार चार के कितने जोड़े बनेंगे, पूरे पूरे जोड़े बनेंगे या किसी का जोड़ा नहीं बनेगा, मतलब अभी ऐसे हो ना, मतलब आपका जोड़ा नहीं है, है? शादी के बाद में जोड़ा बन जाता है, तो यहाँ पे चार चार के जोड़े बना रहे हैं, वो दो का जोड़ा होता है, तो यहाँ पे चार चार के जोड़े बनेंगे एक नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे वो देखेंगे। तो आप इसको चार से डिवाइड करो और चार से डिवाइड करोगे तो कितना शेष पल बच जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है वो देखो, रिमाइंडर कितना बचा इसके अंदर, रिमाइंडर आपका बचेगा 3, 3 बचा क्या, रिमाइंडर बचेगा आपके पास, इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचा आपके पास 3, 180 के अंदर तो डिवाइड, रिमाइंडर बचा 3। ये 3 शेष पल बच रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आयोटा की पावर 3 निकालना है, नहीं, 3 का मतलब क्या है, 3 संख्याओं के जोड़े नहीं बने, 3 संख्या जो बची है उसका जोड़ा नहीं बना। 3 संख्या आप स्टार्टिंग से बचा सकते हो, 3 संख्या लास्ट से बचा सकते हो, और मैं चाहूंगा आप स्टार्टिंग से 3 संख्या बचा लेना, इन 3 संख्याओं को छोड़ने के बाद में आगे 4 से लेकर 183 तक लगातार चार चार संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं और वो सारे खत्म हो जाएंगे जोड़े, ठीक है ना। अब बच्चे तो भाई साहब इसकी वैल्यू जीरो नहीं भी, तो आप क्या कर लो, इनको डायरेक्ट ऐड कर लो, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू -1, इसमें माइनस आयोटा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा बेटा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा -1 आएगा। बात आपके समझ में आ चुकी होगी बेटा, आ गई क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे टर्म देखते हैं, यहां पे टर्म देखते हैं, अगर जितना रिमाइंडर बचता है, जितना शेषफल बचता है उतने पद बचाते हैं, चाहे तो शुरू से चाहे लास्ट से, आगे होगी बात समझ में, ठीक है ना। हाँ ये थोड़ा सा हिंट लिख लेना बेटा, इसके अंदर मैं हिंट लिखा देता हूं थोड़ा सा, वरना आप गलती करोगे इसके अंदर। यहां पे ट्रम देखते हैं, यहां ट्रम देखी जाती है, जितना रिमाइंडर बचता है उतनी ट्रम बचाते हैं और ट्रम शुरू से या लास्ट से जो सिंपल कैलकुलेशन लगे आपको वो बचाना, यहां ट्रम बचाते हैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ ट्रम कंसीडर करते हैं, ट्रम बचाते हैं, जितना रिमाइंडर आ गया आपके पास उतनी ट्रम बचा लो आप, और वो शुरू से बचाओगे तो ज्यादा फायदेमंद रहोगे क्योंकि पावर कम होगी आपके पास। सही बात है बेटा, आ गया मजा,
चलो भाई लूट लिए मजे आपने। चलो जी एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं मैं, और आप इसका आंसर देंगे आयोटा की पावर एन, एन बराबर 0 से लेकर 225 है। लो भाई अब उलझने वाला सवाल है बेटा ये, है ना, आयोटा की पावर 0 से लेकर 225 तक आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, फटाफट से बताओ। देखिए -1 कैसे आया, हो क्या बात है। चलो जी बोलो 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 फटाफट से, इस वाले क्वेश्चन में समझ जाओगे बिल्कुल पेटी पेक। बोलो 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 बेटा क्या होगा, आयोटा की पावर एन है और एन बराबर 0 से लेकर 225 तक है, अपना अपना जवाब दो भाई क्या होगा, अपना अपना जवाब दो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैं देखता हूँ देखिए कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं, काफी बच्चे दे रहे आयोटा आयोटा आयोटा। चलो जी मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, अगर मैंने वैल्यू रखी आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 और लास्ट में आयोटा की पावर कितनी आएगी बताओ, आयोटा की पावर आएगी 225। तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि इसमें सर कितने टर्म्स है, कितने पद है। तो आप कहोगे सर इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर 225 तक तो 200 पद हो गए, 225 हो गए, एक है इसका मतलब सर 226 पद है इसके अंदर, 226 पद है। ठीक है आप इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बोलो मुझे कितना आया सर, इसके अंदर जो रिमाइंडर आया जो शेषफल आया वो तो सर आएगा 2 आएगा, शेषफल कितना आया सर 2 आया। अरे सही बोल रहा हूँ क्या मैं, 224 तक तो कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर कितना 2, अब 2 आ गया रिमाइंडर तो 2 पद बचा लो, अब 2 पद आप यहां पे लास्ट में बचाओ चाहे शुरू में बचा लो, मैं कहूंगा आप शुरू वाले बचाना, ये 2 पद बच गए और इनका योग कर दो यही आंसर, आयोटा की पावर 0 आयोटा की पावर 1, कोई सी भी संख्या की पावर 0 तो वैल्यू 1, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1 प्लस आयोटा। लो जी घूम गए क्या, हाँ कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है क्वेश्चन का, 1 प्लस आयोटा इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, घूम गए चक्कर खा गए। हाँ लो जी चलो जी एक और क्वेश्चन करवा दूँ आपको, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन ताकि जिंदगी के अंदर गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन, एनडीए का एक सवाल सही करा के जाएगा बेटा आपसे। एन बराबर आपके पास 2 से लेकर चलो मैंने मान लिया 100 तक, मान लिया 100 तक, लो जी बताओ फटाफट से बताओ क्या होगा आपके पास इसका आंसर, एन बराबर 2 से लेकर 100 तक आपके पास लिखा हुआ है, 226 कैसे आया, 226 बेटा 226 इस वजह से आया कि 1 से लेकर 225 तक तो 225 संख्याएं हो गई, ये 0 भी तो है, अरे 0 वाली पावर को नहीं गिना क्या, 1 से लेकर 225 225 संख्या हो गई और ये 0 वाली पावर को कौन गिनेगा है ससुर जी। अच्छा चलो जी बोलो 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 फटाफट से, चलो जवाब दो क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा सही आंसर फटाफट से बता दो। देखें है -1 -1 99 आंसर। अच्छा लगाओ 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 दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ फटाफट से, -1 क्या बात है 99। अच्छा क्या बात है यार बेटा, यहाँ पे जब आप 2 से रखना स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब आयोटा की पावर 3 से स्टार्ट होगी, है ना, आयोटा की पावर 3 से स्टार्ट होगी, फिर आएगा आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5 और लास्ट के अंदर आपके पास जब यहाँ पे 100 लिखोगे ना तो आएगा आपके पास 101 आएगा। आई क्या बात समझ में, आप मुझे बताओ 3 से लेकर 101 तक कितने पद हो गए टोटल मिला के, पद बताओ कितने हुए। अच्छा एक बच्चे ने 99 अच्छा टर्म्स बोली थी क्या, चलो कोई बात नहीं है, आप देखो 3 से लेकर 100 तक तो 98 टर्म और एक और है, इसका मतलब इसके अंदर 99 पद हो गए भाई, 99 पद हो गए। तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि सर 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा बताओ, अब रिमाइंडर बचेगा सर 1, अब 1 रिमाइंडर का मतलब आयोटा की पावर 1 नहीं है भाई, है ना, क्या मतलब है इसका कि आप 1 पद बचानी है आपको, कौन सा, स्टार्टिंग से या लास्ट से, जितना रिमाइंडर उतने ट्रम बचाते हैं, तो इसका मतलब आपके पास आयोटा की पावर 3 बचा लो, आयोटा की पावर 3 का आंसर क्या हुआ -आयोटा। तो इस क्वेश्चन का जो आयोटा आंसर क्या आया भाई, माइनस का आयोटा आ गया, अरे आ गई दिमाग में बैठ गया बेटा, श्याम शंकर ने आंसर दिया है -1 -आयोटा, अब कैसे दिया है भगवान मालिक है भाई, 99 कैसे आए मैं गिन के बता दूं है? अगर मैं ऐसा कहूं कि आयोटा की पावर 1 से लेकर 100 तक है, कितने नादान बच्चे हैं भाई, 1 से लेकर 100 तक की गिनती के अंदर है ना 100 अक्षर होते हैं 100 अक्षर होते हैं, सही है क्या 1 से लेकर 100 तक 100,
अगर मैं कहूं आपके पास कि भाई 3 से लेकर 100 तक कितने हो गए भाई, तो आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 2 हटाओ 99 बच गए क्या, और एक ये 101 वाला तो 99 पद हो गए। गिन लो ऐसे करो आप, है ना, स्टार्टिंग से लिख लेना 3 से लेकर लगातार 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 101 तक लिखना, फिर गिन लेना 1, 2, 3, 4, 5 तो 99 ही आएंगे। ऊपर वाले में जीरो से क्यों किया, वो ऊपर वाले में जीरो साहब इस वजह से किया कि यहां पे n बराबर जीरो से संख्या स्टार्ट थी, तो n की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, n की वैल्यू 0 पुट करो, फिर प्लस कर दो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, 225 तक जाओ। इस पे नहीं करता कि हर बार ही आप 1 से स्टार्ट करोगे, डिपेंड इस पे करता है कि इधर क्या दे रखा है आपको, इधर क्या दे रखा है। यहां पे 2 दे रखा था तो पहले 2 रखेंगे, 2 रखोगे तो 3 आया, उसके बाद में 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, फिर लास्ट वाले रखोगे 100+1 तो 101 आएगा। सही है क्या सर, शेषफल 3 बचेगा 99 के अंदर, 99 के अंदर शेषफल 3 बच रहा है क्या, 99 के अंदर शेषफल, अच्छा 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 सही बोले भाई हैं, 99 के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ यार, मैं डिवाइड नहीं आता मुझे, अगर डिवाइड किया तो आपके पास सही बोल रहा है भाई बच्चा है, 3 रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 बच रहा है, और रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो 3 पद बचा लो, ये वाले 3 पद है ना, ये वाले 3 पद बचाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा, इसका मान 1 और इसका मान आपके पास आयोटा, सही है, इससे ये कटा, आंसर जो आएगा आपके पास 1 आएगा, सही है क्या। हाँ, बिल्कुल 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 कर दिया बेटा, कर दिया, ठीक है। चलो जी एक और क्वेश्चन में उलझाता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन में उलझाता हूँ, ये तो भाई साहब प्लस वाला था, अब आओ मल्टीप्लाई वाले पे, ऐसा ऐसा जो साइन होता है इसका मतलब है एक एक संख्या रखकर आपको प्रोडक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूं आपके पास आयोटा की पावर n और n बराबर आपके पास 1 से लेकर 10 ही मान लो, अभी उलझ जाओगे नहीं तुम लोग, है ना, n बराबर 1 से लेकर 10 तक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है, आयोटा की पावर n। और बताओ बेटा क्या होगा, देखिए सबसे पहले कौन से बच्चे का आंसर आता है, कौन से बच्चे का सबसे पहले आंसर आता है, फटाफट से बताओ यार, फटाफट से। एक आंसर आया विशाल कौशिक ने दिया है, पहले वाले का दिया है, किसका दिया है, बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। एक तो मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना सुना दूं, और वो जरूरी सूचना ये है बेटा कि जब कई कई यार बार मतलब मेरे को अपने आप ही हंसी आने लगती है, मतलब जब कोई भी चैप्टर की पहली क्लास होती है ना, तब तो बच्चों भर के ओहो मतलब क्लास के अंदर फुल बच्चे आते हैं, उसके बाद में जब उसका दूसरा पार्ट आता है आधे बच्चे कम, तीसरा पार्ट आता है तो आधे बच्चे कम, क्यों भाई ऐसा, ऐसा क्या, लास्ट पार्ट के अंदर जो भी बच्चे रुकते हैं ना 400 या 500 बच्चे, वो ही सिलेक्शन के लिए मतलब पूरा डेडिकेटेड होके काम कर रहे हैं, मतलब भाई साहब आपने एक पढ़ लिया मतलब वही है यार, खड़े खाने के अंदर गए, पहले दिखा अपने पहला दिखा रायता, रायता पी लिया दबा के है, उसके बाद में अरे भाई साहब उसके बाद में गुलाब जामुन भी है, काजू की कतलियां भी है, हाँ हलवा भी है उधर। तो भाई साहब रिक्वेस्ट है आपसे, अगर सिलेक्शन चाहिए हमारे को ब्लेम मत करना बाद में कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, पूरा जी जान से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो पूरी वीडियोस देखा करो, पूरे पार्ट देखा करो, ठीक है ना। चलो चलो जी, यहां पर अपन वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा, मैंने कहा था इसका जो मतलब होता है क्या होता है, इस ऐसा जो साइन होता है ना उसका मतलब होता है प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एन बराबर जब 1 पुट करोगे तो आयोटा की पावर 1 और यहाँ पे प्लस नहीं आएगा मल्टीप्लाई आएगा, आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 3 कहाँ तक है भाई, आयोटा की पावर 10 तक है, ये नई चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप यहां से देखो कि सब के अंदर बेस सेम है तो पावर एंड हो जाएगी, आयोटा की पावर 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कहां तक होगा बेटा 10 तक होगा, और इन 10 पदों का योग अगर आप करोगे तो वो होगा n n प्लस 1 अपॉन 2 n n प्लस 1 अपॉन 2 ऐसा होगा, इसका मतलब आपके पास आयोटा की पावर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी, आयोटा की पावर कितनी आई 55, इसको 4 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर आपके पास कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है आपके पास 3, और आयोटा की पावर 3 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस आयोटा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया माइनस आयोटा, समझ में आ गया क्या,
ठीक है, मतलब वहां पे जो ओपन प्लस करते थे ना, वो प्लस की बजाय क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, जब साइन आपके पास ऐसा आता है तो। आ गई बेटा बात समझ में, रसगुल्लो है। अच्छा चलो जी, ये यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी है। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे अपन पढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा हालांकि टॉपिक आपके पास है, ठीक है, वो भी मैं आपको कवर करवा देता हूँ कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है उसको अपन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपन ऑर्डर्ड पेयर में फॉर्म में लिखना चाहें, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है सर आपके पास कर्मित युग्म, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, छोटा सा हल्का सा टॉपिक है। और ऐसा क्वेश्चन एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होता है जेड, इस जेड को जो अपन ने लिखा है एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है, जेड को क्या लिखा है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है इसको आप एक्स कोमा वाई लिख सकते हो। एक्स कोमा वाई क्या है सर, एक्स कोमा वाई है 2D का एक कोऑर्डिनेट, 2D का क्या है, एक कोऑर्डिनेट, आपने पढ़ा है ना कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में होता है ना 1, 0, 0, 0, वो वाली बात है। आप ये जो x है ना, ये जो आपके पास x निर्देशांक जो है वो तो बनेगा आपके पास वास्तविक भाग से, यहाँ पे आप जो वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग है उससे तो क्या बनाओगे, x निर्देशांक, और y जो निर्देशांक है वो आप किससे बनाओगे, वो बनाओगे आप काल्पनिक भाग से, काल्पनिक भाग से क्या बना लो, y निर्देशांक बना लो। तो सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर कि ये जो आपके पास कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, और उस पॉइंट को जो सिचुएट करते हैं अपन, उसकी स्थिति बताते हैं, उसके लिए एक अपन निर्देशांक ज्यामिति की तरह ही ऐसे यूज करते हैं ये आपके पास, ठीक है ना। जैसे कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मूल बिंदु, ये होते हैं ना, सेम ऐसा का ऐसा ही इसके अंदर होता है, लेकिन इसका नाम अलग है सर। और वो नाम क्या है इसका, इसका जो नाम है वो है आपके पास, हिंदी के अंदर अगर मैं लिखूं तो वो होता है आर्गेंड तल होता है, अगर मैं इंग्लिश के अंदर लिखूं तो इसको बोला जाता है सर आर्गेंड समतल बोला जाता है, आर्गेंड प्लेन बोला जाता है। ध्यान दे लेना बेटा, कोई नई चीज नहीं है, ये नई चीज नहीं है, उसमें तो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति बोल देते हैं अपन, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस अपन प्लेन पर सेट करते हैं वो क्या होता है, आर्गेंड प्लेन होता है। इस आर्गेंड प्लेन के अंदर ये जो आपके पास होरिजेंटल होता है, क्षैतिज जो होता है, इस क्षैतिज को तो अपन बोलते हैं वास्तविक अक्ष बोलते हैं, इसके अंदर एक्स अक्ष नहीं बोला जाता है, इसमें बोला जाता है वास्तविक अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर होता है, इस ऊर्ध्वाधर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है काल्पनिक अक्ष। इसके अंदर दो अक्षें होती है, एक तो वास्तविक अक्ष होता है और एक काल्पनिक अक्ष होता है। एक्स एक्स को तो वास्तविक अक्ष बोला जाता है, और वाई एक्स को क्या बोला जाता है, काल्पनिक अक्ष बोला जाता है। कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट वैसा का वैसा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको सिचुएट करवाता हूं मैं, ठीक है ना, पॉइंट्स की पोजीशन देखते हैं अपन। जैसे मान लो कि एक नमूना दिखा दूं आपको कि सर जेड के बराबर आपके पास 2 - 3 आयोटा है, 2 - 3 आयोटा है, तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, तो आप कहोगे सर 2 - 3 आयोटा को तो सर मैं इस तरीके से लिख दूंगा, इसको तो इस तरीके से लिख दूंगा सर 2, -3 लिख दूंगा, क्योंकि सर वास्तविक भाग को तो x कोऑर्डिनेट बनाते हैं, काल्पनिक भाग को बनाते हैं y कोऑर्डिनेट, और सर 2, -3 कहाँ पे होगा, x निर्देशांक आपके पास प्लस का और y निर्देशांक माइनस का, x निर्देशांक प्लस का और y निर्देशांक माइनस में कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सर ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर जेड के बराबर मैंने लिखा -1 - आयोटा, तो इसको बताइए सर -1 - आयोटा आपके पास -1, -1 लिखा जाएगा, और दोनों नेगेटिव नंबर आपके पास किस में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। सर जेड के बराबर मैंने लिखा सर 3 ही लिखा, जेड के बराबर 3 लिखा, तो सर इसको लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो आयोटा वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0, तो सर ये 3, 0 आएगा। अब 3, 0 आपके पास कहां पे है, ये पॉइंट x अक्ष के ऊपर है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा बेटा वास्तविक x पर, ये जो पॉइंट है वो कहां पर स्थित है आपका, वास्तविक x पर, रियल एक्सिस पर, है ना। सर जेड के बराबर आपने ऐसा लिखा कि आपने लिख दिया -2 आयोटा लिख दिया,
जेड के बराबर क्या लिखा, माइनस का दो आयोटा। सर इसको सिचुएट करिए कि सर इसको पॉइंट बनाएंगे, तो सर इसमें वास्तविक भाग तो नहीं है, और वास्तविक भाग नहीं है तो वास्तविक भाग तो जीरो, और काल्पनिक भाग कितना सर माइनस का दो, तो जीरो कोमा माइनस दो होगा, और जीरो कोमा माइनस दो आपके पास कहाँ पे होगा, ये होगा सर काल्पनिक एक्स पे, ये कहाँ पे होगा, ये होगा सर आपका काल्पनिक एक्स पे। क्लियर हुई क्या बात, बात आपके समझ में आ गई क्या भाई? ठीक है अच्छा सही है बेटा, आया समझ में? हाँ, तो ये सारी चीजें, बस इसका नाम पूछ लिया गया था एक बार एग्जाम में ना, नाम पूछ लिया था कि ये कौन सा प्लेन है जहां पे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को सिचुएट करते हैं, तो वो होता है आर्गेंड समतल होता है, आर्गेंड प्लेन होता है। सही बात है क्या बेटा? है हाँ बेटा, ये हमेशा हमेशा चलता ही है, और यहाँ पर बैक टू बैक क्लासेस होती है, कॉन्सेप्ट भी होता है, प्रैक्टिस भी होता है, और फिजिक्स मैथ इंग्लिश की बैक टू बैक क्लासेज आती रहती है। ठीक है, टोटल 5 या 6 क्लासेज होती हैं डेली, यही रूटीन रहता है। चलो जी, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो प्लेन को अपन यूज करते हैं वो प्लेन आपके पास है, ठीक है ना? हाँ जी, चलो जी आगे अपन बात करते हैं। यहाँ तक कि अगर चीज़ें समझ में आ गई तो फटाफट से एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में मुझे दिख जाए, और आपका जोश भी दिख जाए कि जोश आपका किस कदर है ना, जोश आपका किस कदर है, फटाफट से बता दो बेटा, फटाफट से देखे एक बार मुझे जय हिंद दिख जाए कमेंट बॉक्स में, आपका जोश दिख जाए, उसके बाद में मैं आगे की फटाफट से। अरे यार जोश में कमी है, मतलब यार अल्ताफ राजा वाली शायरिया से स्टार्ट करूँ फिर मैं क्या है यार, प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए बेटा, प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो जी, अगर आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि जेड एक विशुद्ध, जेड विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो बताओ ये कौन सी एक्स के ऊपर होगा, बताओ विशुद्ध काल्पनिक संख्या है जेड, अगर एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो ये कहाँ पे सिचुएट होगा आर्गेंड समतल में, बताओ प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर अगर ये हो तो बताओ ये कहाँ पे सिचुएट होगा, कहाँ पे होगा बेटा, बोलो 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 फटाफट से प्यार में धोखा इस वजह से ठोका, कहाँ पे स्थित होगा अच्छा इमेजिनरी एक्सिस पे, बिल्कुल सही बात है ना, ये कहाँ पे होगा, ये होगा आपका इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, है ना, इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, इमेजिनरी एक्सिस पर। चलो जी आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाए फटाफट से। आज अब अपन डिस्कस करेंगे एलजेब्रा, एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फटाफट फटाफट मैं इसको फिनिश करता हूँ ताकि आगे वाले टॉपिक की तरफ अपन बढ़े। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा इसमें भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का खुद का एलजेब्रा होता है, और एलजेब्रा का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग होता है। ठीक है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन माइनस डिविजन, है ना, ये आपके पास क्या होता है, एलजेब्रा होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके पास सम की, सम, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको योग करना हो तो वो कैसे करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास ऐसा है कि सर Z1 के बराबर एक तो दे रखा है सर X1 प्लस आयोटा Y1, और Z2 जो है वो है आपके पास X2 प्लस आयोटा Y2 है। अगर सर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिया जाए तो इससे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर Z1 प्लस Z2, और इससे जो Z आपके पास आएगा वो कैसे आएगा, दोनों रियल पार्ट को ऐड कर दो और दोनों इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, तो सर ये आएगा आपका X1 प्लस का X2 आ जाएगा, और प्लस सर आपके पास आयोटा Y1 प्लस Y2 आपके पास आ जाएगा। मतलब दोनों का रियल पार्ट आपस में प्लस कर दो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में प्लस कर दो। लेकिन जो क्वेश्चन आपको घुमाया जाएगा वो क्वेश्चन इसमें नहीं घुमा सकते, वो क्वेश्चन घुमाया कैसे जाएगा, वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे थोड़ी पूछेगा कि दो को प्लस कर दो। क्वेश्चन जो पूछेगा वो ऐसे पूछेगा, वो ध्यान से देखो कि क्वेश्चन पूछने के चांसेस ऐसे हैं, क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से दिया जाएगा, जेड के बराबर, जेड वन के बराबर आपके पास X1 प्लस आयोटा Y1 है, और Z2 के बराबर आपके पास X2 प्लस आयोटा Y2 है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो X1 आपके पास है ना, वो है आपके पास इस Z1 का वास्तविक भाग, क्या है, वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ Z1, तो इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखा हुआ होगा रियल पार्ट ऑफ Z1, ये तो क्या है आपके पास X1, और ये जो आयोटा से मल्टीप्लाई होने वाला पार्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1,
बराबर आपके पास क्या है वाई वन, रियल पार्ट ऑफ जेड वन बराबर है एक्स वन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन बराबर क्या है वाई वन। अगर मैं कहूं आपके पास कि इसका रियल पार्ट क्या है जेड टू का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ जेड टू बराबर आपके पास एक्स टू, और ये जो आपके पास वाई टू है वो क्या है आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू, और वो क्या है आपके पास वाई टू। बेटा कैलकुलेशन के अंदर आपको इनमें फंसाया जाएगा बस कि सर ये लिख देंगे, ये तो सर देखा ही नहीं हमने, है गलती होती है इसमें कि ये चीज कहां से आ गई नई चीज, तो ये बेटा नई चीज नहीं है, बस क्वेश्चन के अंदर घुमाने के लिए आपको x1 की जगह ये लिख देगा, y1 की जगह ये लिख देगा। जैसे मान लो कि आपने ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन में, ऐसा पूछ लिया कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 बताओ, लो जी हो गए कंफ्यूज, रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू बताओ, या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू बताओ, डब्बा गौड़ हो जाएंगे बेटा वहीं पे है। जेड वन प्लस जेड टू मतलब वही है, योग करना है, और योग करने के बाद में उसका रियल पार्ट बताना है अपने को। योग करने के बाद में रियल पार्ट आप देखो क्या आया था आपके पास, देखो ये आया था, ये योग का रियल पार्ट है, वो क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो x1 प्लस x2 की जगह आपको लिखना क्या पड़ेगा कि सर आया तो मेरे पास x1 प्लस x2 था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा आपके पास, x1 होगा आपके पास रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, ऐसा होगा। और ये सर आपके पास इमेजिनरी पार्ट y1 प्लस y2 था, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा बेटा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, चलो जी, चलो बहुत बढ़िया बेटा, है ना, चलो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, माइनस की तरफ चलते हैं, और उसको अपन बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे योग पढ़ा दिया आपको, और अब अपन बात करेंगे डिफरेंस की, ठीक है। अंतर करना हो, अंतर करना हो तो बात वो की वही है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से पहली के अंदर से अगर अपन दूसरी को माइनस कर दें तो आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और पहली में से दूसरी को माइनस इस तरीके से होगा कि रियल पार्ट में से रियल माइनस कर दो, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से आप इमेजिनरी पार्ट माइनस कर दो, तो वो होता है आपके पास माइनस होता है। तीसरी बात अगर मैं आपके सामने करूं तो वो है आपके पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास है z1 into z2 ऐसा, तो उनसे मल्टीप्लाई करने से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, और ये जो z1 आपके पास है इसको मैं लिख देता हूँ, वो क्या है x1 plus iota y1 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास x2 plus iota y2 है। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो आएगा आपके पास x1 into x2, ये इससे प्रोडक्ट होगा, ये इससे, और फिर ये जब इससे प्रोडक्ट होगा तो आयोटा 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 स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस का वाई वन इंटू वाई टू आ जाएगा, फिर ये नंबर आपके पास एक बार इससे, ये नंबर इससे, तो ये आएगा आयोटा कॉमन लेने से क्या आएगा आपके पास एक्स वन वाई टू प्लस वाई वन एक्स टू, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन कहीं बार एक बार आर एस अग्रवाल में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, आपको ऐसा पूछा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बताओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बताओ, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है जेड वन जेड टू का, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट ये रहा सर, है ना, ये रहा क्या है सर आपके पास x1 into y2 plus y1 into x2, लेकिन ऑप्शन नहीं था ऐसा, ऑप्शन ये था कि x1 क्या है, ये x1 है सर रियल पार्ट है z1 का, ये रियल पार्ट है z1 का, y2 क्या है सर ये इमेजिनरी पार्ट है किसका z2 का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 plus y1 क्या है सर ये है इमेजिनरी पार्ट है आपके पास z1 का, और x2 क्या है सर ये है रियल पार्ट है आपके पास किसका z2 का, तो ये वाला लिखा हुआ था उसके अंदर, ठीक है, ये वाला लिखा हुआ था, ये आर एस अग्रवाल का ही क्वेश्चन है बेटा, क्लियर है बेटा, हाँ इतना सब क्या आ जाएगा, इतना वाला पार्ट है ना सब क्या आ जाएगा आंसर, मुझे पता है, लेकिन आपको इसमें नहीं पूछकर पूछा जाएगा रियल और इमेजिनरी की लैंग्वेज में, ठीक है ना, सही है बेटा, आगे बढ़ूं मैं, चलो जी। इसी के अंदर एक चीज आपको और मैं बता दूं, एक तो होता है आपका एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होता है, और एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है आपका, हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम, क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम होता है। एक जो आपके पास होता है वो होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है,
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब जो होता है वो होता है आपके पास, वो होता है गुणन प्रतिलोम। क्या होता है? गुणन प्रतिलोम होता है, ठीक है ना, गुणन प्रतिलोम होता है। ये चीजें भी पूछ ली जाती है बेटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो आपके पास होता है माइनस का जेड। क्या होता है? माइनस का जेड, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो आता है एडिटिव इनवर्स। और अगर आप उस संख्या का उल्टा कर देते हैं तो वो आता है आपके पास क्या? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या आता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, एक नमूना देखो, नमूना उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। नमूना ये है कि आपको ऐसा दे दिया जेड बराबर, आपको ऐसा लिख दिया कि सर 2+3 iota है ना, 2+3 iota, उसका आपको एडिटिव इनवर्स पूछा है। एडिटिव इनवर्स मतलब योगात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका? सर इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 - 3 iota। और अगर मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की अगर बात करूं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है इसका, तो आप क्या कहोगे कि सर इसका उल्टा कर दो, 1/2 + 3 iota। ये आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा बेटा। आ गई क्या बेटा समझ में? आया? अच्छा, आया समझ में। चलो जी, अब बेटा जो अपनी यहां तक आज की क्लास का टाइमिंग आपका हो चुका है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर जैसे आपकी जो दूसरी क्लास लगेगी वो क्लास आपकी किस टाइम पर लगेगी? एक मैथ्स की जो क्लास आएगी वो 12:15 PM पर आएगी, ठीक है, इस वाले टाइम पर 12:15 पे जो आपकी मैथ्स की दूसरी क्लास आएगी, उस क्लास के अंदर जो मैंने यहाँ पे डील किया है उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया लेवल से। देखता हूँ देखिए आपने कॉन्सेप्ट किस कदर तैयार किए हैं, और इस क्लास के रिगार्डिंग आपका प्यार एंड सपोर्ट, मुझे काफी दिन हो गए यार प्यार एंड सपोर्ट दिए हैं, तो प्यार एंड सपोर्ट आपका कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए, मैं देखने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है, आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार आप करूंगा। क्लास सेव होने के बाद में आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।